हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका स्पेशल किचन नाइन में जी हाँ दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और बहुत ही दमदार अरबी की सब्जी की रेसिपी बताने जा रही हूं वैसे तो इस सब्ज़ी में काफ़ी मेहनत का काम होता है इसे छीलना और इसे पकाना बहुत ही मेहनत का काम होता है तो इस सब का प्रॉब्लम का सॉल्व आज मैं लेके आई हूँ और इस परफेक्ट दमदार ये देखिए अरबी की सब्जी आज मैं बना के दिखाऊंगी आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बनती है अगर मेरे तरीके से आप बना लिए तो ग्रेवी के साथ अरबी भी काफ़ी टेस्टी बनेगी तो चलिए शुरू करते हैं अरबी की बहुत ही टेस्टी रेसिपी ये देखिए जैसे मैंने लिए हैं अरबी ये देखिए लगभग आधा किलो अरबी है मेरे पास और ये बहुत छोटे छोटे है, इसे छीलने में काफी समय लगेगा इसीलिए मैंने इसके लिए सिंपल ट्रिक बताई है ये देखिए इतने छीलने में मतलब आधा घंटा से लगभग पौन घंटा लग जाएगा तो इसके लिए आपको लेने है एक प्रेशर कुकर ये लेकिन आप ये नहीं सोचे कि इस प्रेशर कुकर में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा टेस्ट भी आएगा और बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसे हम कुक भी करेंगे ना ज़्यादा एक्स्ट्रा कुक करेंगे और ना ही कम करेंगे और सब्जी काफ़ी टेस्टी बनेगी तो ये देखिए हल्के से मैंने डाला है इसमें नमक और तीन से चार मिनट ही आपको कुक करना है ज़्यादा अगर आप भी पहले ये प्रेशर कुकर का तरीका आजमा चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा कुक हो जाते हैं तो आज मैं ऐसा तरीका भी बताने वाली हूँ जिससे ये परफेक्ट कुक होंगे तो आगे वीडियो देखते रहिए और ये देखिए मैंने मसाले की क्वान्टिटी बता रही हूँ अगर आपके पास ज कम है तो आप टमाटर की मात्रा ज़्यादा ले सकते हैं और टमाटर की मात्रा ज़्यादा है तो आप प्याज का कॉम्बिनेशन कम कर सकते हैं वैसे मैंने इसमें टमाटर की मात्रा ज़्यादा रखी है और लगभग ये देखिए आधा प्याज मैंने लिए हैं और दो टमाटर मैंने लिए हैं और पाँच से छः मैंने लहसुन की कलियाँ लिए हैं आधा किलो अरबी के लिए और ये है मेरे ये देखिए मैंने डाले हैं पीले सरसों ये देखिए दो चम्मच आपको पीले सरसों लेने इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी बिल्कुल ही परफेक्ट बनती है और एक हरी मिर्च लिया है और इसे अच्छी तरह से पीस लिया ये देखिए तीन से चार मिनट हो चुके हैं अभी मेरे देखिए सीटी नहीं आई है प्रेशर कुकर में अब मैं क्या करूँगी बंद कर दूंगी और ये देखिए गैस मैंने इसे खोल के दिखा रही हूँ ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुका है अब मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ आपको ये देखिए बहुत ही ओवर कुक भी नहीं हुए हैं और बिल्कुल कम भी नहीं हुए इससे क्या होगी को अरबी भी हमारी अच्छी तरह से गल जाएगी और ये बहुत अच्छी तरह से भून भी पाएंगे हम लोग ये देखिए सभी को मैंने निकाल लिया है अब इसे आप इजीली छिलके हटा सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी घंटों की मेहनत भी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी अगर आप भी प्रेशर कुकर में बनाते हैं और ओवर कुक हो जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है बस इसके ऊपर बिल्कुल ही ठंडा पानी डाल देना है जिससे क्या होगी जो ये कुकिंग की प्रोसेस है वो अरबी की वो बिल्कुल ही रुक जाएगी और इतनी ही पकेगी ना ज़्यादा इसमें पकेंगे और ना ही ज़्यादा ये गिल होंगे ये देखिए बहुत ही कम और देखिए अगर आपके साथ बड़े हैं अरबी तो आप क्या करें कि कट्स कर ले। लेकिन मेरे पास थोड़े छोटे छोटे हैं तो मैं बहुत ही कम कट्स करूँगी और सभी अरबी को मैं बहुत ही आसानी तरीके से छील लिया ये देखिए छिल के भी मेरे अलग हो गए और कोई भी दिक्कत नहीं आई है अब ले रही हूँ मैं एक कढ़ाई में तेल ये देखिए तीन से चार चम्मच मैंने लिए हैं तेल और दो तेजपत्ता डाला है और एक चम्मच मैंने डाले हैं काली सरसों और जितने भी मैंने पेस्ट बनाया है सभी को ये देखिए मिक्सर में मैंने बना लिए थे उसे सभी को आपको मिक्स करना है और अच्छी तरह से लगातार आपको फ्राई करना है इससे क्या होगी ये ग्रेवी काफ़ी परफेक्ट बनती है और जो मैंने सरसों जो डाले हैं उससे काफ़ी ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है और कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है फिर आपको डालना है स्वाद अनुसार नमक पहले मैंने स्वाद अनुसार नमक हल्के से डाल रखा था इसलिए मैंने कम लिया है और आधा चम्मच लिया है मैंने हल्दी पाउडर और लिया है आधा चम्मच मैंने लिए हैं काली मिर्च का पाउडर और दो चम्मच मैंने लिया है जीरा का पाउडर और एक चम्मच लिए है मैंने धनिया का पाउडर और एक चम्मच लिया मैंने लाल मिर्च का पाउडर ये देखिए सभी को अच्छी तरह से मिक्स करना है और बहुत ही कम मसाले में ये देखिए मसाले की क्वांटिटी मैंने बहुत ही कम रखी है टमाटर और प्याज के कारण ये ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा ठीक और गाढ़ी बनती है और ये देखिए आधे मसाले हमारे भून चुके हैं आधे मसाले भूनने के बाद सभी अरबी को आपको डाल देने हैं ये देखिए सभी अरबी को डाल दिए हैं और लगातार आप इसे इसी तरह भूनते रहें देखिए बहुत ही अच्छी तरह से आप ये भून सकते हैं और ईजीली कुक हो जाएगी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ये देखिए बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएंगे और जो बड़े साइज की अरबी है उसे आप आराम से इसे कट्स कर ले और ये देखिए मसाले हमारे परफेक्टली भून चुके हैं आप देख सकते हैं आप चाहे तो इसे सूखी सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं वो भी काफ़ी टेस्टी लगती है और आप चाहे तो हल्के से ग्रेवी भी बना सकते हैं लेकिन मैं आज बनाने वाली हूँ ग्रेवी वाली ये देखिए अच्छी तरह से भून चुके हैं अब मैं ऐड करूंगी इसमें पानी अब पानी भी बिल्कुल ही हिसाब से डालना है दोस्तों ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि अरबी भी हमारे पके हुए हैं और ये मसाले भी अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मिला दिया है और बहुत ही जल्दी बन के ये हमारी सब्जी तैयार हो जाती है ये देखिए अच्छी तरह से मैंने लक्कन लगाया और तीन से चार मिनट में ही हमारी सब्जी बनके बिल्कुल ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी और हाँ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें इसी तरह की मैं वीडियो हमेशा लाती रहती हूँ और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करे दोस्तों तो तैयार हो चुकी है हमारी बहुत ही टेस्टी अरबी की सब्जी तो, तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ